हेलो ऑल, आज मैं आपको गोदरेज का जो हमारा नया ईऑन वेलवेट फोर डोर रेफ्रिजरेटर है उसके बारे में डेमो देने वाला हूँ। तो हमारे पास ईऑन वेलवेट फोर डोर में दो कलर हैं, एक है ग्रेफाइट ब्लैक और ये है आइनॉक्स स्टील। ये आइनॉक्स स्टील कलर, ये ग्रेफाइट ब्लैक, दो कलर में अवेलेबल है हमारे पास फोर डोर। ये दोनों जो रेफ्रिजरेटर है वो 670 लीटर में आते हैं, 670 लीटर्स में, और इसमें आपको चार दरवाजे हैं पर साथ इसमें आपको तीन जोन है। तीन जोन क्या है वो बता देता हूँ। सबसे ऊपर है यहाँ पे फ्रिज वाला एरिया। फ्रिज वाला एरिया ये है आपका, 63% एरिया आपका फ्रिज आता है, 63% 422 लीटर, 422 लीटर का आपका फ्रिज वाला एरिया है। तो काफ़ी सारा एरिया आपको फ्रिज में मिल रहा है, 422 लीटर। ये है फ्रिज, पहला वाला जोन। उसके बाद आपका जो जोन है वो है जोन नंबर टू, वो है आपका फ्रीज़र। फ्रीज़र जोन जो आपका आता है 125 लीटर, ये है 18% का एरिया जो है 125 लीटर, 18% 125 लीटर, ये है आपका फ्रीज़र। उसके बाद आता है आपका तीसरा जोन जो है माई फ्रेश चॉइस। ये वाला जो जोन है इसको बोलते हैं माई फ्रेश चॉइस। ये ऐसा जोन है जो फ्लेक्सिबल है। माई फ्रेश चॉइस मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीज़र भी रख सकते हैं, फ्रिज भी बना सकते हैं। आप इसको -20 से लेके +5 डिग्री तक आप इसको अपने हिसाब से इसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, -20 से +5। तो ये आपके हिसाब से आपको जो कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। ये है आपका माई फ्रेश चॉइस। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो 63% आपका फ्रिज है, प्लस अगर आपने इसको इसको भी फ्रिज बना दिया तो आपका 63 + 18 मतलब 81% आप अपना एरिया क्या बना सकते हैं, फ्रिज बना सकते हैं। 81% एरिया मतलब 422 ये वाला फ्रिज का एरिया प्लस 123 ये वाला फ्रिज, ये वाला एरिया माई फ्रेश चॉइस, तो आपको 545 लीटर आप क्या बना सकते हैं इसके अंदर, 545 लीटर आपका हो जाएगा ओनली फ्रिज। और साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा फ्रोज़न आइटम है आपके पास, जैसे आइसक्रीम है या नॉनवेज ज़्यादा है या घर पे फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा है तो आप इसको फ्रीज़र भी बना सकते हैं। तो 18% + 18% 36% आपका फ्रीज़र हो जाएगा, मतलब टोटल 248 लीटर का आप यहाँ पे फ्रीज़र बना सकते हैं इसको कन्वर्ट करके। तो ये आपका कन्वर्टेबल वाला जोन है माई फ्रेश चॉइस। और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर टेम्परेचर आपका रहता है -20 से लेके 5 डिग्री। अब आपको फ्रिज का भी टेम्परेचर बता देता हूँ। फ्रिज का टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री। तो फ्रिज के अंदर आप 2 से 8 सेट कर सकते हैं प्लस में। साथ ही साथ अगर आप ये देखते हैं जैसे अपना फ्रीज़र वाला एरिया, फ्रीज़र वाले एरिया में आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर -14 से लेके -24। तो ये टेम्परेचर आप फ्रीज़र में सेट कर सकते हैं। तो ये आपके तीनों एरिया के टेम्परेचर हो गए। अब बात करते हैं इसकी स्पेस की। तो फ्रिज की स्पेस की पहले बात करते हैं। तो फ्रिज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है वो बहुत अच्छी दी हुई है। स्पेस में आप देख सकते हो कि इसका शेल्फ एडजस्टमेंट पॉइंट इतने सारे हैं साइड में, ये देखिए इतने सारे होल्स दिए हैं, वहाँ पे शेल्फ एडजस्टमेंट हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से 13 होल यहाँ पे है शेल्फ को ऊपर नीचे करने के लिए, बहुत सारा स्पेस है। वेजिटेबल बॉक्स की बात करें तो 28.5 लीटर का आपका वेजिटेबल बॉक्स है यहाँ पे। दो वेजिटेबल बॉक्स आपको यहाँ दिए हुए हैं 28 लीटर के, और 5.5 लीटर का आपका यहाँ पे स्नैक जोन है। तो यहाँ पे मैंने एक जगह में मैंने वेजिटेबल रख दी, एक जगह फ्रूट रख दिए, और यहाँ मैंने कटे हुए वेजिटेबल रख दिए, या मैंने छोटे वाले वेजिटेबल्स है, लहसुन है, प्याज है, या लहसुन जैसे मैं रख दिया, या फिर काट के रख दिया, मैंने फ्रूट्स मैंने काट के रख दिए। तो ये मेरे पास स्नैक वाला एरिया है, चॉकलेट रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया स्नैक वाला एरिया। प्लस इसके अंदर जो कूलिंग है वो डुअल टेक कूलिंग है। आप देख सकते हैं दो वेंट्स यहाँ पे है, दो वेंट्स आपके नीचे वाले एरिया में है, और दो यहाँ पे, 6 वेंट्स आपको फ्रिज वाले एरिया में दिए हुए हैं। ये इसमें डुअल टेक कूलिंग का मतलब क्या है कि इसमें पीछे से भी कूलिंग होगी और साइड से भी सराउंड भी कूलिंग होगी। कूलिंग आपका एयर गोल भी घूमेगा और साथ ही साथ आपका बैक साइड से भी जो है वो प्रॉपर कूलिंग होगा। तो इसका सराउंड कूलिंग भी है प्लस बैक साइड से भी कूलिंग है, तो डुअल टेक कूलिंग के साथ प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और आप देख सकते हैं इसका पैनल जो है वो यहाँ ऊपर आ रहा है, ये रहा इसका पैनल। तो ये है। और बात करें इसका और फीचर्स की तो इसका दरवाजे की स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पे आराम से आपकी तीन से चार बॉटल आराम से 1 लीटर की आ जाएगी। यहाँ भी आपकी 3 से 4 बॉटल 1 लीटर की आराम से यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना ड्राई फ्रूट्स है या
आपकी कोई छोटी बॉटल्स हैं या फिर अंडे हैं, वो सब आप आराम से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये इतने सारे यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं। प्लस आ जाते हैं फ्रीज़र वाले एरिया के स्पेस में। ये देखिए यहाँ पे तीन बॉक्सेस हैं। पहला ये भी स्लाइडर बॉक्स है, यहाँ पे आप आराम से जो भी सामान रखा है फ्रीज़र में आराम से निकाल सकते हैं, इसको बाहर खींच के, स्लाइडर है। सेकेंड ये ओपन वाला स्लाइडर बॉक्स है। ये दूसरा बॉक्स, ये वाला बंद है, ये क्लोज वाला है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर ये अपने आप यहाँ पे अटक जाता है, नीचे गिरेगा नहीं। साथ ही साथ तीसरा जो आपका है ये भी स्लाइडर बॉक्स है। तो तीन बॉक्सेस आ रहे हैं फ्रीज़र में। उसी तरह माई फ्रेश चॉइस में भी तीन बॉक्सेस है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये तीन बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए। साथ ही साथ दूसरे ब्रांड में आप देखते हैं तो यहाँ दरवाजे में कोई भी शेल्फ नहीं आता, हम यहाँ दरवाजे में तीन शेल्फ दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आराम से आप इसमें अपना जो पैकेट्स हैं, जैसे मसाले हैं या मकेन के पैकेट्स हैं या फिर सब चीज़ आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। अचार की बर्नी है वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको तीन शेल्फ है, यहाँ पे भी आपको दरवाजे में तीन शेल्फ है, जो ज़्यादातर दूसरे ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये भी एडवांटेज है। अब आते हैं इसके पैनल वाले एरिया में। तो पैनल देखिए, पैनल के अंदर जो है वो यहाँ पे तीन जोन दिख रहे हैं, फ्रिज, माई फ्रेश चॉइस और फ्रीज़र। तो मैं जब जोन पे क्लिक करूँगा और फ्रिज में लाइट जलेगी तो मैं फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ 2 से 8 डिग्री। फिर मैं जोन पे क्लिक करूँगा, माई फ्रेश पे लाइट जलेगी, माई फ्रेश चॉइस, यहाँ मैं टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ -20 से लेके 5। फिर मैं जोन पे क्लिक करूँगा, फ्रीज़र आ जाएगा, फ्रीज़र के अंदर मेरे पास टेम्परेचर है -14 से -24। तो मैं ये तीनों जगह पे टेम्परेचर जोन सिलेक्ट करने के बाद पहले सिलेक्ट करूँगा जोन और फिर जाके यहाँ से टेम्परेचर चेंज करूँगा। ये तीनों जोन में मैं अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे तीन मोड्स दिए हुए हैं। मोड नंबर 1 ये है सुपर कूल। सुपर कूल मोड का मतलब क्या है कि आप ये जब मैं मोड सिलेक्ट करूंगा तो मेरे फ्रिज वाले एरिया में 2 डिग्री सेट हो जाएगा 3 घंटों के लिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे घर पे गेट टुगेदर है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, खाना ज़्यादा मात्रा में बनने वाला है, वेजिटेबल्स या जो सब्जियां हैं वो ज़्यादा लेके आया हूं, तो मैं ये लगा दूंगा जिससे ज़्यादा स्टोरेज की वजह से जो है वो प्रॉपर कूलिंग मेरे फ्रिज सेक्शन में यहाँ पर बनी रहेगी, 2 डिग्री टेम्परेचर 3 घंटों के लिए। उसके बाद मोड है हॉलीडे मोड। हॉलीडे मोड क्या करेगा, मेरे फ्रीज़र वाले एरिया में -18 डिग्री सेट करेगा और फ्रिज वाला एरिया हो जाएगा बंद। मतलब ये वाला एरिया जो है वो -18 रहेगा और फ्रिज वाला एरिया जो है ऊपर वाला एरिया फ्रिज वाला वो बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ 15 दिन 20 दिन, तो वो टाइम पे मैं अपना जो सारा ड्राई चीज़ें हैं वो यहाँ रख दूँगा और इसको मैं पूरा बंद कर दूँगा। तो इससे ऊपर वाला एरिया, फ्रिज वाला एरिया बंद कर दूँगा, तो इससे क्या होगा कि इतना सारा 63% मेरा एरिया बंद रहेगा तो बहुत सारा पावर सेव होगा। ये नीचे वाला जो मेरा खाना सामान रखा है वो ख़राब भी नहीं होगा और मैं वापस आऊँगा तो मुझे फ्रेश मिलेगा सब कुछ। एंड उसके साथ ही साथ पूरा फ्रिज मुझे बंद नहीं करना पड़ेगा। और ये वाले मोड में एक और फ़ायदा है कि क्योंकि स्मेल ना हो जाए अंदर, इसके लिए हमने इसमें 15 डिग्री का टेम्परेचर उसमें हम फिर भी सेट रखते हैं। ऑफ मोड में भी आपको 15 डिग्री यहाँ पे सेट मिलेगा फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में। ये हो गया हॉलीडे मोड। उसके बाद है सुपर फ्रीज। सुपर फ्रीज मोड आता है फ्रीज़र के लिए। फ्रीज़र में क्या होगा, -24 डिग्री सेट होगा 52 घंटों के लिए, वो है सुपर फ्रीज मोड। सुपर फ्रीज मोड में फॉर एग्जांपल मुझे बर्फ़ बनाना है, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, या फिर आइसक्रीम मुझे रखना है, या फिर नॉनवेज जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है, या फ्रोज़न आइटम ज़्यादा रखे हुए, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मैं ये मोड यूज़ कर सकता हूँ। -24 डिग्री सेट करेगा 52 घंटों के लिए। ये है मेरा तीसरा मोड जो है सुपर फ्रीज मोड। तो ये पैनल जैसा आप जो है वो एकदम इजी टू यूज़ पैनल है। तीन ही इसमें ऑप्शंस है, जोन, टेम्परेचर और मोड। तो ये है। और तो ये और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी मोड सिलेक्ट करूंगा उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे माई फ्रेश चॉइस से कोई लेना देना नहीं है। माई फ्रेश चॉइस में आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। मोड्स में जो एक एक रीजन का मोड है वैसे चलेगा, पर माई फ्रेश चॉइस वाला ये वाला जो एरिया है आपका, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्रीज़र, फ्रिज, इसको मोड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ही अच्छे लुक में आ रहा है जैसे मैंने बताया ये इसका। और इसका थोड़ा सा हम बाहर से भी लुक देख लेते हैं। और इन्वर्टर के साथ आएगा, अभी तक जो पहले साइड बाय साइड था वो फिक्स स्पीड था, ये वाला आएगा विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और इसका स्टिकर देख लेते हैं एक बार पीछे से।
तो ये इसका स्टिकर है, आप इसमें तीनों जगह LED लाइट दी हुई है, आप देख सकते हैं फ्रिज में, माय फ्रेश चॉइस में, फ्रीजर में, सब जगह स्टिकर, सब जगह LED लाइट है। 5 वॉट का LED लाइट है आपके इस फ्रिज में, और बाकी दोनों में 0.6 वॉट का आपका लाइट है। रेटेड करंट मतलब 1 एम्पियर, मतलब आप देखिए तो लगभग ये आप इसको देख सके तो ये अब लगभग आपका 210 वॉट का मैक्सिमम 210 वॉट का पावर ले रहा है 1 घंटे में। तो ये है 670 लीटर का कैपेसिटी है, डिफ्रॉस्ट का पावर है 280 वॉट, और उसको चालू होने में चाहिए 220 से 240 वॉट, और ये 118 kg का इसका ओवरऑल वेट है। और इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं रेफ्रिजरेटर की तो 36 इंच का चौड़ाई है, लगभग 28.5 इंच का इसका गहराई है, और हाइट जो है वो है 178 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर और 78 सेंटीमीटर, लगभग 178 सेंटीमीटर का इसका हाइट है। तो ये इसका ओवरऑल इसका डायमेंशन है, और 4 व्हील्स के साथ आता है, इसको आराम से आप एक या दो बंदे भी इसको आराम से मूव कर सकते हैं। 4 व्हील्स के साथ ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है। तो ये है हमारा साइड बाय साइड, ये हमारा 4 डोर 670 लीटर इऑन वेल्वेट। थैंक यू।